अभी आज मैं एक न्यूज सुन रहा था, उस न्यूज में पता चला कि भामर फेरने के लिए दूल्हा बैठ गया। भामरिया यू नो दैट, हाँ हम सब की हो चुकी है, कॉमन बात है। जिसके यहां भर गया वो घूम गया, और जिसके यहां देखो, जब पत्नी की पहचान क्या है, शादी हो गई पत्नी की पहचान, बोले मांग भरी है ये पत्नी की पहचान। अब भाइयों की शादी हो गई, इस बात की पहचान क्या है, बोले जिसके यहां बाल ना हो समझो मैरिड है। धीरे धीरे शादी के बाद टेंशन युक्त होकर चले जाते, सब अपनी लाइन लेंथ पकड़ लेते, चलो यहां से। तो अभी मैंने सुना कि भामर पे बैठने के बाद दुल्हन आने वाली थी, इतने में बहन ने कहा, और उसने कहा हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे तो फेरे डालूंगी। बेटी वाला क्या करेगा बेचारा, 10 लाख रुपए एट ए टाइम कहां से अरेंज करेगा। उसने मना कर दिया, हम शादी नहीं करेंगे। बारात जाने लगी, दूल्हा को पुलिस पकड़ ले गई, और जो है दूसरा कोई बहुत अच्छा व्यक्ति भगवान ने भेज दिया उस बच्ची के लिए, कहा इसके साथ नहीं तो मेरे साथ शादी कर। और उसने उसी दिन उसी लगन में शादी कर ली, बेटी ब्याह कर चली गई, और दूल्हे को तो बाकी जेल में डालो कम से कम 7 साल के लिए, कम से कम 7 साल के लिए। हे भारत की बहन बेटियों, तुम जरा स्ट्रांग हो जाओ, जो भी कहे मुझे इतना चाहिए, वो नहीं तू छोड़ दे उसे, कह दे तुझसे मैं शादी नहीं करूंगी, कमखत तेरा भगवान भला करे, नहीं करेगा। अपनी बहन को ऐसे ही दहेज देगा क्या, भामर पे ऐसे ही मांगेगा क्या? और मैं कहता हूं जो बहन बेटी भामर पे से मना कर दे ऐसे लालची से शादी करने के लिए, समाज में उसका सम्मान होना चाहिए, और समाज में उसको आदर की दृष्टि से देखना चाहिए कि वो बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर रही है दहेज को समाप्त करने का। और ऐसी बहन बेटियों को मेरा समर्थन है पूरा। जब भी कोई परेशानी हो, ऐसे लालची को मारो डंडे, भगा भाग यहां से। तेरे बाप ने पढ़ा, हम पहचान किया है क्या, ना पढ़ता अनपढ़ रहे, ऐसी चरा जैसी चरा में कहां खूब आराम से लगा, हार लगा मत पढ़, पढ़ाए तो हमसे सारा पैसा वसूल करेगा। हां हमारे घर से जो बेटी जाए वो सुलक्षणा होनी चाहिए, सुंदर लक्षणों वाली होनी चाहिए। और मैं भारत की बहन बेटियों से एक ही प्रार्थना करूंगा, ऐसे लालची लड़कों से शादी करना बंद कर दो। आजकल तो लव मैरिज भी करते हैं, बाद में अरेंज कर लेते हैं, फिर कहते हैं इतना दहेज चाहिए, अत्या चूल्हे में दे दे तेरे प्यार है, कहांगो छोरी बात तो ना ही कर रहे, हम ब्याह ना करेंगे, पहले तो कर रहे लव है लव है लव यू कर रहा था, अब जब शादी हो गई तो अब दहेज मांग रहा है, शर्म नहीं आ रही? नहीं ये हो रहा है, प्रकरण हो रहा है तब बोल रहा हूं, हो सकता है नौजवान मेरे अगेंस्ट हो जाए कुछ भाई लोग। भाई लोग अलग मत होना, तुम्हारी भी तो बहन है, मेरी भी तो बहन है, हम सबके फायदे की बात है। चंद लालची लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जिससे हमारे भारत की सीता को समय से पहले जलना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी भारत की सीता को कम से कम समय से पहले हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, जिससे हमारे भारत की बहन जो माँ बहनें हैं, सीता है द्रौपदी है, ऐसी देवियों को अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखना पड़ेगा। अगर ऐसे लालचियों को ढंग से जो है फिट कर दो, सेट कर दो, एकदम चकाचक कर दो उसको, नीचे से ऊपर तक नक्शा फिट करो उसका। बहुत से लोग शांति के लिए, शांति का ही तो पहल है, शांति दो प्रकार से होती है, एक शब्दों से और दूसरा भय बिन हो न प्रीत है जी, बस समझा दो उसको, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, ये चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी हो। लेकिन मुझे ये तो ठीक है, दूजा सुख घर में हो माया, ये आसान है, लेकिन बाकी के 3 सुख थोड़ा मुश्किल हैं। और ये 3 सुख तभी मिल सकते हैं जब भगवान की कृपा हो, जब आप जीवन भर सत्संग करते हो, जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब हमें यह सुंदर समय मिलता है
कि हम और आप सभी भगवान के कथा पंडाल में बैठते हैं तब ये तीनों सुख और भी मिल जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, तुम्हारे घर में पुत्र नहीं हो सकता, इसकी कुछ वजह है। क्या? बोले रावण को जब, थोड़ा सा साधक लोग ध्यान से सुनेंगे, यहां थोड़ा सा मैं रामचरितमानस से हटकर कुछ प्रसंग सुना रहा हूं आपको। रामायण में तो श्रृंगी रस्सी वशिष्ठ बुलाबा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराबा, उसके बाद ये शुरू हो जाता है। लेकिन एक अन्यत्र रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, वशिष्ठ जी ने दशरथ को समझाया, जिस वक्त रावण को यह पता चला कि दशरथ के शुक्र से जो पुत्र जन्म लेगा वो मेरा शत्रु होगा, तो रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान मांगा कि दशरथ के शुक्र से कोई पुत्र ही ना हो, कोई पुत्र ना हो। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। दशरथ जी बड़े उदास हो गए, बोले महाराज मैंने ब्रह्मा जी का क्या बिगाड़ा है, जो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि मेरे शुक्र से पुत्र नहीं होगा, इसका मतलब मेरे कोई पुत्र नहीं होगा। बोले तेरे घर में पुत्र होगा, तेरे शुक्र से नहीं होगा। तेरे घर में पुत्र तो होगा, पुत्र की मना कौन कर रहा है, एक नहीं होगा। धरहु धीर होई है सो तो चारी त्रभुवन विदित भगति भय श्रृंगीरसी वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाए यज्ञ। देखो सूर्यवंश में एक सबसे बड़ी समस्या, सूर्यवंश में पुत्र ऐसा आराम से नहीं होते, यहां औलाद आराम से नहीं होती, कभी तो यज्ञ से होता है, कभी कलश के जल से होता है, कभी किसी फल से होता है, कभी नारियल से होता है, ऐसे पुत्र होते हैं सूर्यवंश में। जैसे कॉमन विधान है ना, स्त्री पुरुष के मिलन से संतान होते, इनके यहां वो सब सिस्टम नहीं है। और जब जब कोई समस्या होती है तो सूर्यवंश के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, वही कोई ना कोई कार्य करते हैं। आपकी मिथिला बहुत मशहूर है एक ही कार्य के लिए। किस कार्य के लिए? राम जी के ससुराल के लिए। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। और ससुराल में क्या होता है जरा बताइए। सालीसर है जीजा जी, जीजा जी, जा जी, जीजा जी, जी, जी। अगर सालीसर है जीजा जी के पास पहुंच जाए तो फिर क्या करती हैं? आप बोलो ना, सब मिथिला के लोग आप, हमको क्या पता, बोलो क्या कर दिए है? मजाक को क्या कहते हैं आपके यहां? क्या? नहीं नहीं, जैसे साली सरज मजाक करती है ना, क्या बोलते उसको? मजाक ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते। ठिठोर, अरे ठीक है, कुछ बोलते, समझ गए ना। हाँ, जब राम जी ससुराल आए, अपनी शादी हो रही थी, अभी राम जन्म बाकी है, शादी की बात पहले सुनो, ऐसी कथा सिर्फ मैं ही सुना सकता हूँ, कोई और नहीं सुनाएगा। ब्रजवासी, उल्टा ब्रजवासी हूँ मैं, सब उलट पुलट करके सुनाता हूँ, टाइम में जो सेट बैठे वो कथा सुना दो बस, है ना भाई। अभी ससुराल की बात चल रही तो पहले राम जी की ससुराल की बात तो सुनो। राम जी जब ससुराल आए तो साली सरहज इधर उधर बैठे थे, बड़ा आनंद ले रही थी, बड़ा जो है सो ठिठुलिया कर रही थी राम जी से। और जब राम जी से ठिठुलिया कर रही थी तो एक साली बोली, अरे जीजा जी आज जरा सुनाओ हमारी बात महाराज। हाँ सुनाओ। राम जी बोले, सुनाओ तो का कहना चाहते हो, मत बोलो।